रही हो सुबल की माँ? सुबल प्रातः काल से नहीं मिल रहा। हाँ यशोदा बहन, सुबल सुबह हमारे खेत पर गया था किंतु अभी तक नहीं लौटा। मैंने खेत और आसपास के सभी स्थानों पर उसको ढूंढा लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। धैर्य रखो सुबल की माँ, सब ठीक हो जाएगा। नंद जी, हम सबके परिजन भी कहीं मिल नहीं रहे हैं। नंद जी, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। समझ नहीं आ रहा इतने सारे व्यक्ति कहाँ चले गए। साथियों, आप लोग चिंतित मत होइए, हम शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें ढूंढने का प्रयत्न करें। तब तक आप लोगों से एक अनुरोध, आप लोग धैर्य बनाए रहें, सब कुछ अच्छा होगा। आप ऐसे कुछ लोग हमारे साथ चले आइए। काना, बलराम, तुम लोग वृंदावन वासियों के लिए चिंता मत करना। आरे गए हैं ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे और हमारे ईश्वर हमारे साथ है। चलो हम प्रार्थना करते हैं। मूर्तियां, ये तो सब वृंदावन वासी हैं। ये सब मूर्तियां कैसे बन गए? ये सब पशु, ये पशु मुझे घेर क्यों रहे? ये सब क्या हो रहा है? ये पशु, दानव, यशोदा तुम कहाँ जा रही हो? अरे आप आ गए। अरे आप ठीक तो हैं? हाँ यशोदा, मैं ठीक हूँ। और बाकी गांव वाले वो सब मिल गए, वो ठीक है? वो भी ठीक है। चलिए फिर घर चलते हैं। चलिए। अच्छा हुआ आप जल्दी मिल गए। अरे हमें जल्द ही घर जाना होगा। कान्हा बलराम घर पर अकेले? कहीं वो कोई चपलता ना कर बैठे। नहीं यशोदा, कान्हा बलराम घर पर नहीं, वो दानवों से युद्ध कर रहे हैं। पर नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहे, वो तो अभी मेरे साथ ही थे। यशोदा, ये मनुष्य कितने कायर होते हैं। संवार असुर, कायर मनुष्य नहीं, तुम जैसे असुर होते हैं जो अपनी शत्रुता सीधे साधे लोगों पर दिखाते हैं। मर क्यों नहीं रहा? कुछ करो। इस कार्य के लिए हमें ब्रह्म जी की मदद लेनी होगी। प्रकट होइए। प्रणाम। हे ब्रह्मदेव,
आप ही इस सृष्टि के रचयिता हैं और आपकी इस सुंदर सी सृष्टि में जितने भी वास और ब्रह्म हैं, उसके नियंत्रण आप ही कर सकते हैं। संवारासुर के बनाए हुए आवासों को तोड़ने हेतु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इन आवासों को तोड़ने बिना उसका अंत असंभव है। हे नारायण, आपने ही तो राम अवतार में समरासुर का वध किया था। हे नारायण, वो आपसे अपनी मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता था और इसीलिए यहां आया था। अपने आप को सुरक्षित करने हेतु उसने अपने प्राणों को आपके मित्र मधुमंगल के शरीर में डाल दिए थे। मैं आपका परम आभारी हूँ ब्रह्मदेव। आपने सृष्टि की रक्षा हेतु मेरा मार्गदर्शन किया। ये तो मेरा कर्तव्य था नारायण। मुझे शीघ्र से शीघ्र मधुमंगल के भीतर से अपने प्राण निकाल कर सुरक्षित करने होंगे। संवारासुर, क्योंकि वो तो अब मेरे पास है। नहीं, मेरे प्राण कृष्णा के पास नहीं। कृष्णा, मुझे मेरे प्राण वापस दे दो। कृष्णा, नहीं संवारासुर, अब तुम्हें तुम्हारे प्राण नहीं मिलेंगे। कृष्णा, क्षमा कर दो। कृष्णा, मुझे उससे त्रुटि हो गई। अब भविष्य में ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। तुमने क्षमा मांगी, इसका अर्थ ये है कि तुम भविष्य में कभी भी पाप कर्म नहीं करोगे। किंतु यदि तुमने भविष्य में कोई अनुचित कार्य किया, तो जिस प्रकार मैं तुम्हें तुम्हारे प्राण दे रहा हूँ, उसी प्रकार पुनः ले भी लूंगा। मान रहे। मेरा एक ऋण है और आज अमावस्या की रात्रि तुम्हें वो ऋण चुकाना होगा। ये देखिए आर्य, ये सब क्या नृत्य हो रहा है वृंदावन में? कौन है जो वृंदावन में चिता तैयार कर रहे हैं? इस अमावस्या की रात्रि ये वृंदावन गांव नहीं शमशान बन जाएगा। यहाँ जितने लोग जीवित हैं, उनसे ज्यादा शव होंगे। कृष्ण के साथ वृंदावन के सभी बालकों और शिशुओं के देह इन चिताओं पर निर्जीव पड़े होंगे। शीघ्र, कोई शेष तो नहीं है?
यशोदा। अरे कान्हा बलराम कहाँ रह गए? कहीं वो किसी संकट में ना फंस जाए। यशोदा, कान्हा बलराम को कुछ नहीं होगा, भीतर चलिए। नहीं अरे नहीं। यशोदा भीतर चलिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। यशोदा चलिए, ठीक है ठीक, चलिए चलिए भीतर चलिए। माया नगरी में तुम्हारा स्वागत है कान्हा। यहाँ पग पग पर तुम्हें इतने संकट मिलेंगे कि तुम मेरे समीप पहुंच ही नहीं पाओगे। राव, हमें इस नदी के मुख को बंद करना होगा। कृष्णा, तुम इस नदी का मुख बंद नहीं कर सकते, क्योंकि तुम शीघ्र ही मेरे हाथों कुछ ले जाओगे। कैसे समाप्त होगा? गाँव ये माया नगरी है, यहाँ बल से बुद्धि से कार्य किया जा सकता है। मान गए तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारे जैसी शक्ति तो किसी में भी नहीं है। तो फिर अपने मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ मूर्ख बालको। मुझे मारने से पूर्व ये तो बता दो कि तुम्हारी शक्ति का रहस्य क्या है। लावा, लावे से बना हूं मैं, मेरा अंश ही मेरा अंत कर सकता है। अना, तुम्हें कैसे पता चला कि ये ऐसे मरेगा? दाऊ, आपने शायद ध्यान से सुना नहीं किसने क्या कहा था। उसने कहा था कि उसका अंश ही उसके अंत का कारण है, और दाऊ वो इस नदी की यहाँ पर रक्षा कर रहा था। इसका तात्पर्य तो यही हुआ ना कि यही उसका अंश है, तो फिर ये नदी उसका अंत ही। काना, तुम्हारी पहेलियाँ तुम ही जानो। मैं अभी शिला को लावा में गिराकर इस नदी को रोक देता हूँ। तो बड़े ही बलशाली हैं। आपने अकेले ही इतनी बड़ी चट्टान से नदी का मुख एक ही बार में बंद कर दिया। नंदबाबा, नंदबाबा, दरबारी खिड़कियां सब बंद कर दी मैंने। बहुत अच्छा किया। इस समस्या से हमें श्री हरि के सिवा और कोई नहीं बचा सकता, इसलिए हम सबको मिलकर श्री हरि का नाम लेना होगा। हाँ यशोदा, बोलो। जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि। सूर्य ढल चुका है, अब रात्रि होगी, अमावस्या की रात्रि। इसके पश्चात वृंदावन में करंधन ही करंधन होगा। कान्हा, इतने बार सुन एक साथ। कृष्ण, तुम मेरी माया नगरी में आए हो क्योंकि तुम चतुर हो। तुमने मेरे दानवों को मारा क्योंकि तुम वीर हो।
किंतु तुम इस माया को नष्ट नहीं कर सकते। देखो, अमावस्या की रात्रि प्रारंभ होने में कुछ ही क्षण बाकी हैं। फिर तुम्हारा सारा श्रम व्यर्थ हो जाएगा। तुम उन शिशुओं को नहीं बचा पाओगे और साथ में सभी वृंदावन वासी भी नहीं बचेंगे। अब मेरी विजय सुनिश्चित है और तुम्हारी मृत्यु। मेरी माया को नहीं तोड़ सकते। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम कुछ भी नहीं कर सकते मायासुर। जो विधि ने निश्चित किया है बस अब वही होगा। पहले विधि ने तुम्हारा साथ दिया था, किंतु अब विधि ने भी तुम्हारा हाथ छोड़ दिया है। नहीं, मैं मायासुर हूँ। समय मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मायासुर, अब तुम बिना माया के कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अब तो तुम्हारी माया नगरी भी समाप्त हो चुकी है। और हाँ, मेरे दाऊ का क्रोध बड़ा ही भयानक है। तुम्हें उनसे शत्रुता नहीं लेनी चाहिए। मुझे क्षमा कर दो काना। ठीक है, अब यदि तुम्हें तुम्हारे किए का पछतावा है तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। किंतु हाँ, इस जीवन दान के बदले में तुम्हें उन नन्हे शिशुओं के लिए मुझे कोई औषधि देनी होगी। इन शिशुओं का जीवन इस औषधि से बच सकता है। ठीक है काना। मायासुर, अब तुम जा सकते हो। ईश्वर, हमारी रक्षा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।